तो देखिए यहाँ पे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट स्टूडेंट देखिए 4 to 8 7 5 का क्यूब रूट क्या होता है, अगर हम इसको करें 5 का 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 10 6 4 8, इसका रूट, इसका क्यूब रूट अगर हम करेंगे, इसका क्यूब रूट अगर हम करेंगे तो आएगा 2 2 4 9 1 3 का रूट करेंगे ये आएगा आपके पास 1 7, 205379 देन 59, इसका क्यूब रूट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा आपके पास 77, और अगर हम इसका करेंगे ये आ जाएगा आपका 1 और ये 7। जी हाँ, देखिए कितनी आसान ट्रिक। अगर आप भी ऐसा अपना मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, क्यूब रूट को इतनी तेजी से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये स्टूडेंट वीडियो आपको एंड तक देखनी है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अभी हाल ही में एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले स्टूडेंट ये वीडियो। तो देखिए जरा कैसे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप एकदम से देख करके आप क्यूब रूट बता दोगे इतने बड़े नंबर का। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक सी बात पता होनी चाहिए आपको। अगर हम 0 का क्यूब करें तो क्या आता है स्टूडेंट, 0 आता है। 1 का अगर हम क्यूब करने जा रहे हैं तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब करने का मतलब होता है 1 × 1 × 1, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 to the 4 and 2 4 is 8, तो 8 होगा। 3 का क्यूब आपका होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, ठीक है, 5 का क्यूब होगा 1 to 5, ऐसे 6 का क्यूब होगा 216, ऐसे अगर हम करते जाएं तो लास्ट में 10 का क्यूब होगा 1000। तो स्टूडेंट आपको एटलीस्ट 10 तक के क्यूब रूट पता होने चाहिए, तभी ये ट्रिक जो है वो काम आने वाली है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं आप फटाफट से इस ट्रिक को कर लेंगे और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एंड तक बने रहिए, देखिए आप चुटकियों में कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट करते क्या है, एक बड़ा सा नंबर हम लेते हैं, ठीक है, वो जो नंबर हमने सोल्व किए थे उसमें से मैं एक नंबर उठा लेता हूँ। जैसे सपोज करो बेटा आपके पास नंबर आ रहा है 4 2 8 7 5, ये हमने नंबर ले लिया 4 2 8 7 5, ठीक है, तो इसका भी क्यूब रूट निकालना आपको 2 सेकंड में निकालना। उसके लिए पहले समझिए एक छोटी सी ट्रिक, कि ट्रिक क्या है। देखिए स्टूडेंट आप नोटिस कीजिए, अगर हम 0 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट क्या है, जो इकाई का अंक क्या है, वो है 0। हम स्क्वेयर रूट में भी ऐसे कर रहे थे। अगर स्क्वेयर रूट की किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में वो मैंने वीडियो लगा रखी है, तो पहले वो देख कर आओ फिर अब यहाँ पर आना, तो आपको और ईजीली लगेगा, ठीक है। तो 1 का अगर हम क्यूब कर रहे तो आ रहा है 1, तो डिजिट जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1, यानी इकाई का अंक क्या है, 1 है। 2 की अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है, 8। 3 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है, 7। 4 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है, 4। आप नोटिस कीजिए स्टूडेंट कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो हमारे यूनिट डिजिट हैं, यानी कि हमारा इकाई का अंक है। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, देखो 0 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0। 1 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगी, ठीक है। अगर आप 2 का क्यूब कर रहे हैं स्टूडेंट तो 2 का क्यूब हमारा आएगा 8, हालांकि यूनिट डिजिट 8 रहेगी। थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही आसान है ये, आपको स्क्वेयर रूट से भी आसान लगने वाला है, ठीक है। क्यूब रूट से अक्सर स्टूडेंट डरते हैं लेकिन ये उससे भी आसान होने वाला है, ठीक है। तो 3 का अगर हम क्यूब करें तो होता है आपका 27, यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है। यानी 3 का अगर स्क्वेयर रूट करें हम, सॉरी 3 का क्यूब रूट करें तो 7 यूनिट डिजिट आएगी। ऐसी अगर आप 4 का करोगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 4। ऐसे आप 5 का क्यूब रूट करोगे तो यूनिट डिजिट बनेगी 5। अगर आप 6 का क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगी 6। अगर आप 7 का करने जा रहे हैं तो बनेगी आपकी 3 यूनिट डिजिट। अगर आप 8 का करने जा रहे हैं तो बनेगी 2। और अगर 9 का आप क्यूब रूट करोगे तो वो आपके पास आएगा 9, ठीक है स्टूडेंट। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, 1 पे 1 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, 6 पे 6, 8 पे 2, 7 पे 3 और 9 पे 9, ठीक है। आप देखिए चेंज कहाँ पे हो रहा है, 1 से 1 यहाँ चेंज नहीं है, 4 से 4 पे चेंज नहीं है डिजिट, 5 से 5 पे चेंज नहीं है, 6 से 6 पे भी चेंज नहीं है और 9 से 9 पे भी चेंज नहीं है, यानी आपको यहाँ डरने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस 2 का याद रखिए, 2 का क्यूब रूट जो लास्ट यूनिट जो आएगी वो आएगी 8 और 3 का होता है 7। इसी तरह से 7 का 3,
ठीक है, और 8 का 2, यानी 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए स्टूडेंट, इतने बड़े नंबर को आप बहुत आसान से कर लोगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए इसकी फर्स्ट यूनिट चेक कीजिए। फर्स्ट यूनिट क्या है? 5। इस ये जो बड़ा नंबर है इसका इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है 5। तो आप देखेंगे क्या स्टूडेंट कि 5 का जो इकाई का अंक है, अगर 5 का हम क्यूब रूट करें तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो पहला अंक आपने ले लेना है 5। जब क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट की जो 3 डिजिट है ना, ये आपने कर देनी है एबसेंट। इन 3 डिजिट को आप भूल जाओ। आगे देखो 2 डिजिट बचे, 4 और 2। अभी 4 और 2 आपने चेक करना है कि हमारे किस क्यूब रूट के ये मिड में वैल्यू आती है। 4 2 जो है वो किसके मिड में वैल्यू आ रही है? देखिए 64 और 27 के ये मिड में वैल्यू आती है। उसके मिड में भी आपने देखना है, इसमें आपने ऊपर वाला नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है? 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देना आपको 3, और ये आपका आ गया इस बड़ी रकम का क्यूब रूट। देखिए हो गया ना जादू। ऐसे ही सारे आप निकाल सकते हो। बड़े से बड़े नंबर का आप क्यूब रूट सिर्फ 2 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। इतनी फास्ट ट्रिक आपको बहुत टाइम बाद देखने को मिली होगी, तो वीडियो में बने रहिए, आगे और दिखाते हैं ऐसे ही जादू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 10648, 10648। सबसे लास्ट डिजिट चेक कीजिए कितनी है? 8। जरा चेक करते हैं हम 8 में। 8 पे क्या होता है? 2। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना, 8 पे, तो बस थोड़ा सा आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। 8 का क्यूब रूट होता है 512, एटलीस्ट 10 तक याद होना चाहिए। 512 में देखो लास्ट नंबर कौन सा है? 2 है, तो इतना तो पता चल गया आपका इकाई का अंक जो है वो 2 होने वाला है। जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 लगा होगा। तो करना क्या है? लास्ट की 3 छोड़नी है, आगे क्या बचा आपका? 10। अब 10 देखो बेटा किसके बीच में आता है? 27 और 8 के बीच में आता है 10, जिसमें से लेना कौन सा है? छोटे वाला लेना है। देखो बेटा 22 आ जाएगा, ये आ गया आपका क्यूब रूट। अगर आप इसको सिंपली उस तरीके से करोगे, आप छोटी क्लासों में करते आते हो, तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा। तो चलिए एक नंबर और लेते हैं। दूसरा हम नंबर लेने वाले हैं 205379, 205379। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है 9। तो अगर हम देखें 9 के लास्ट में भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। अगर 9 का आप क्यूब रूट करेंगे तो होता है 729। तो लास्ट यूनिट क्या है? 9 है। तो बस ध्यान रखिए 9 का तो 9 ही होता है। 3 डिजिट छोड़ दीजिए, आगे क्या बचा? 205। 205 देखिए किसके बीच में आ रहा है? 216 और 125 के बीच में आता है 205। ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे, भाई 5 हो गया, मजा आ रहा है, 59 हो गया। फटाफट से आपने आंसर निकालने हैं ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन आगे मैं ले रहा हूँ, 4545653। देखिए कितना बड़ा नंबर है ये, 5। फटाफट से करते हैं 3 का, 3 पे क्या होगा? 3 पे होता है 7। आप लिखना है 7, 3 डिजिट छोड़ देनी है, बचा 456। 456 किसके बीच में आ रहा है? 7 और 8 के क्यूब में। तो लेना कौन सा है? 7 लेना है, 77 ले लीजिए। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिए, 77 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45, 65, 33 ही आएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा के जाऊंगा आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, 357911, 357911। चलिए स्टूडेंट करते हैं, लास्ट डिजिट चेक कीजिए। लास्ट इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो 1 पे क्या आता है? 1 ही आता है। 3 डिजिट छोड़ देनी है, क्या बचा आपका? 357। 357 देखेंगे किसके बीच में आ रहा है? 357 आ रहा है भाई, 343 और 512। तो ये आ रहा है 7 और 8 के बीच में। लेना कौन सा है भाई? 7 लेना है। ऊपर वाला लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, गलती से नीचे वाला काउंट नहीं करना है, ऊपर वाला लेना है, जैसे आपने स्क्वायर रूट की वीडियो में देखा था। तो ये आ गया 71। और स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए और ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही धांसू धांसू ट्रिक मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।